अध्याय एक कर्म। कायिक वाचिक मानसिक व कृतकारित अनुमोदित भेदों से नौ प्रकार से हर मानव कर्म करता है। हर कर्म का फल होता है। मनुष्य में कायिक वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है। ये कृतकारित व अनुमोदित भेद से पूर्णतः नौ प्रकार से गण्य है जो प्रत्यक्ष है। मनुष्य का कार्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक सामाजिक एवं बौद्धिक है, जिसका अभिष्ट सुख है, इससे अधिक या कम नहीं है। इसके बिना मनुष्य का श्रम का प्रकटन नहीं है। इसलिए कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म, संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। अस्वीकार के स्वीकार का जो दबाव है वही वेदना है। वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य एवं सापेक्षता है जो प्रत्यक्ष है। सापेक्षता ही ह्रास व विकास का प्रभावशाली तथ्य है। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव, ये पांच अंग समाहित रहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संपर्क एवं संबंध है। आवश्यकता ही इच्छा है, जिसके मूल में समाज, सामाजिकता, उसका पालन, परिपालन, आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन समाया रहता है। दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण एवं अनुसरण करने की स्वीकृति के लिए की गई संपूर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में प्रकट होती हैं, जो चैतन्य क्रिया में पाए जाने वाले संचेतना का प्रकटन है। प्रत्येक इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति से मनुष्य सुखी होने की कामना करता है। प्रत्येक कर्म में जो सुख की आशा है, यही अनुभव मूलक विधि से शांति, संतोष व आनंद सहज रूप से ज्ञातव्य है। इच्छा कर्म व फल का संतुलन ही अभीष्ट सिद्धि है, जिसकी संभावना है। बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक उत्थान के लिए निश्चित दिशा के रूप में नियम तथा प्रक्रिया है, यही मानव का अभीष्ट है। इसलिए समस्त कर्म मनुष्य में चिरासित सुख का पोषक व शोषक सिद्ध हुआ है। यह तीन भागों में ज्ञातव्य है, सुकर्म, दुष्कर्म एवं मिश्रित कर्म। योग एवं जागृति के लक्ष्य भेद से सुकर्म, अपराध एवं प्रतिकारात्मक रूप में दुष्कर्म तथा भोग एवं प्रतिकार के रूप में मिश्रित कर्म दृष्टव्य हैं। अशेष कर्म फल सापेक्ष है, इसलिए संपूर्ण कर्मों का फल चार रूपों में ज्ञातव्य है, मोक्ष, धर्म, काम एवं अर्थ। इच्छा के बिना कर्म नहीं है। मनुष्य में इच्छाएं तीव्र, कारण एवं सूक्ष्म भेद से ज्ञातव्य हैं। तीव्र इच्छा क्रिया के रूप में अवतरित होती है। कारण इच्छाएं क्रिया के रूप में अल्प संभाव्य हैं। सूक्ष्म क्रियाएं क्रिया के रूप में अति अल्प संभाव्य हैं। तीव्र इच्छाएं जिसके बिना जीना नहीं होता। कारण इच्छाएं योग संयोग घटनावश जो प्रेरणाएं होती हैं, यह सब कारण इच्छाएं हैं। सूक्ष्म इच्छाएं मानव में सत्य कोई वस्तु है, धर्म न्याय कोई वस्तु है, जिसको प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्ट विचार नहीं रहता है। संपूर्ण साधन अंतरंग एवं बहिरंग भेद से दृष्टव्य है। अंतरंग साधन आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभव प्रमाणों के रूप में तथा बहिरंग साधन तन और धन के रूप में पाए जाते हैं। यही जड़ और चैतन्य क्रिया का स्पष्ट रूप है। जड़ व चैतन्य की एक सूत्रता, संतुलन व सामंजस्य को पाले ना ही अभीष्ट सिद्धि है। अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रत्येक मनुष्य प्रयासरत है, जो प्रत्यक्ष है। साध्य अभीष्ट के लिए साधक का समर्पण एवं साधन का नियोजन आवश्यक है। साधन ही अर्थ है, जो तन, मन एवं धन के रूप में दृष्टव्य है। यह कार्य से निर्मित होने के साथ ही कर्म निर्माण के लिए साधन भी है। प्रत्येक कर्म में अनुभूति एवं अनुमान क्रम उपलब्ध है। कर्मों का यह क्रम अनुभव पर्यंत चलता रहेगा। सत्यानुभूति ही पूर्णता है। वस्तु स्थिति वस्तुगत एवं स्थिति सत्य का अनुभव प्रसिद्ध है, इसलिए संपूर्ण अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। समस्त कर्म अर्थोपार्जन हेतु ही है, जिसका प्रयोजन अनुभव है। समस्त अर्थ का उपार्जन, उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण भी इच्छा की पूर्ति के लिए ही होता है।
इच्छा की पूर्ति के मूल में अनुभव ही है। यह केवल जागृति पूर्वक व्यक्ति एवं समग्र मनुष्य में प्रत्यक्ष है। जो अस्तित्व में है उसी का दर्शन एवं ज्ञान है, दर्शन और ज्ञान का ही अनुभव है। मानव में सुख रूपी अभीष्ट साम्य है। अंतरंग व बहिरंग साधन का अनुभव के लिए प्रयुक्त होना ही प्रबुद्धता है, अन्यथा अप्रबुद्धता है। इन दोनों स्थितियों की संभावना ही वैविध्यता का आधार है। अंतरंग साधन आशा विचार इच्छा संकल्प प्रमाण की क्षमता के अनुरूप ही बहिरंग साधनों का नियंत्रण है। अंतरंग समुच्च ही चैतन्य है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ज्ञान सत्ता में समाहित है, इसलिए वह उसमें नियंत्रित है। ऐसे साम्य नियंत्रण के अनुभव पर्यंत विकास और जागृति है। ज्ञानपूर्ण जीवन में निर्भ्रमता का उदय एवं विपरीत में भ्रम का भास दृष्टव्य है। ज्ञान में ही अनुभव संकल्प इच्छा विचार एवं आशा है, जिनका पूर्ण प्रकटन चैतन्य इकाई की जागृतिशीलता एवं क्षमता पर आधारित पाया जाता है। निर्भ्रमता पूर्ण क्षमता ही उचित एवं परिमार्जित कर्म करने में समर्थ होने के कारण अभीष्ट सिद्धि है। मनुष्य के द्वारा प्रकट होने वाला ज्ञान तीन प्रकार से ज्ञातव्य है, भौतिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक। इनका प्रत्यक्ष रूप कुशलता निपुणता एवं पांडित्य है। प्रधानतः समस्त बहिरंग साधनों से पदार्थ विज्ञान की साधना तथा अंतरंग साधनों से बौद्धिक एवं आध्यात्म विज्ञान की साधना है। पदार्थ विज्ञान व मनोविज्ञान सापेक्ष ज्ञान व अध्ययन है, अध्यात्म निरपेक्ष ज्ञान है। सापेक्षता में आय व्यय ह्रास विकास एवं जागृति है। संपूर्ण शब्द शक्तियों का सदव्यय ज्ञान कारक एवं अपव्यय अज्ञान कारक है। जो जिसका अपव्यय करता है वह उससे वंचित हो जाता है, इसलिए समस्त कर्मों के फलस्वरूप ही अर्थ अनर्थ सुकाम दुष्कर्म धर्म अधर्म तथा मोक्ष बंधन है। अर्थ सुकाम धर्म एवं मोक्षगामी जागृति जीवन कार्यक्रम में सुख तथा इसके विपरीत अनर्थ दुष्कर्म अधर्म एवं बंधन की प्रक्रिया एवं जीवन में समस्या ही दुख और पीड़ा है। धर्म का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान से है, अर्थ का तात्पर्य तन मन धन से है, परम अर्थ का तात्पर्य अनुभव है। जागृत मानव में काम का तात्पर्य संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित और प्रमाणित होने से है। मोक्ष का तात्पर्य भ्रम मुक्ति से है। अर्थ ही सुख, सुकर्म ही शांति, धर्म ही संतोष एवं मोक्ष ही परम आनंद है। समस्त इच्छाओं के सात भेद हैं। मोक्ष के लिए अर्थ, धर्म के लिए अर्थ, काम के लिए अर्थ, अर्थ के लिए अर्थ, अर्थ के लिए काम, अर्थ के लिए धर्म तथा अर्थ के लिए मोक्ष। यह क्रम से सात उत्तमो उत्तम, मध्यमो उत्तम, उत्तम मध्यम, अधम मध्यम, अधम व अधमाधम है। इच्छा भेद से अन्वेषण, अन्वेषण भेद से गम्यता, गम्यता भेद से अनुभव, अनुभव भेद से आकर्षण, आकर्षण भेद से मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति भेद से आवश्यकता, आवश्यकता भेद से अन्वेषण, अन्वेषण भेद से इच्छा भेद है। तीन प्रकार की अन्वेषण प्रवृत्तियां मनुष्य में पाई जाती हैं, सत्यान्वेषण, ऐसनान्वेषण, विषयान्वेषण। विषयान्वेषण प्रवृत्तियां जीवों में भी द्रष्टव्य है, शेष दो मनुष्य में ही है, इसलिए विषय अन्वेषण प्रवृत्तियां अपराध से मुक्त नहीं है। विषय उपभोग की तीन अवस्थाएं होती हैं, निमित्त साधन के प्रति नगण्यता विषयी, प्रमाद विषयी, प्रमत्त विषयी। ये क्रम से विषयों से अलिप्त ग्रस्त एवं दग्ध पाई जाती है। विषयों से अनासक्ति ही विराग है, जो विकारों से मुक्ति है। ऐसणाओं से अनासक्ति ही पर वैराग्य है, जो सद्व्ययता की स्वीकृति एवं निर्वाह है। इसलिए विषयान्वेषण प्रवृत्ति स्वार्थ सीमा में, ऐसणान्वेषण परार्थ सीमा में व सत्यान्वेषण परमार्थ सीमा में क्रियाशील है। इसलिए स्वार्थ पूर्ण व्यवहार अधम और असामाजिक,
परार्थपूर्ण व्यवहार मध्यमोत्तम और सामाजिक। परमार्थपूर्ण व्यवहार उत्तम और सामाजिक एवं स्वतंत्र पाया जाता है। परमार्थपूर्ण व्यवहार ही सर्वशुभ मानसिकता है। मनुष्य में बुद्धि मूलक एवं रुचि मूलक योगों से सुकर्म दुष्कर्म जन्य गतिविधियां प्रसिद्ध हैं। कासा आकुति मेथा योग जन्य बुद्धि प्राप्ति योग जन्य बुद्धि मति सुमति अनुमति सुकर्म जन्य बुद्धि अमति कुमति दुर्मति दुष्कर्म जन्य प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष रूप हैं। योग जन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप कवि कोविद कलाविद के रूप में, आकुति दिव्य कर्मी दिव्य प्रयोजनशील उपयोग दिव्य ज्ञानी के रूप में तथा मेधा परिपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष का प्रत्यक्ष रूप है। यही दया कृपा करुणा के रूप में प्रकट और स्पष्ट है। सुकर्म जन्य मति मान्य कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, सुमति सुकर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, अनुमति अनुपम कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में पाई जाती है। सुकर्म ही सद्बुद्धि सत्प्रवृत्ति सुबोध सद्विज्ञान सामाजिकता एवं सत्संकल्प है। दुष्कर्म जन्य अमति अमान्य कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, कुमति कुत्सित कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में, दुर्मति दुष्ट कर्म आचरण एवं कार्य व्यवहार के रूप में गण्य। इसलिए विषयान्वेषी बुद्धि दुष्कर्म में, ऐसनान्वेषी बुद्धि सत्कर्म में, सत्यान्वेषी बुद्धि योग अर्थात जागृति में प्रसक्त प्रयास एवं अभ्यासरत पाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य का सहज प्रवर्तन वातावरण अध्ययन एवं संस्कार के योगफल के रूप में प्रत्यक्ष है। प्रकृति एवं मनुष्य कृत भेद से वातावरण प्रसिद्ध है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही मनुष्य कृत वातावरण का प्रत्यक्ष रूप है। मानव मात्र का संस्कार अन्वेषण त्रय की सीमा में स्पष्ट है। प्राकृतिक वातावरण की गणना प्रत्येक भूमि पर पाए जाने वाले शीत उष्ण एवं वर्षा मान ही है। प्रत्येक भूमि पर जो प्राकृतिक वातावरण वर्तमान है वह उस भूमि में पाए जाने वाले खनिज एवं वनस्पति की राशि पर आधारित है। यह उस भूमि के विकास पर आधारित है। किसी भी भूमि पर जीवों और ज्ञानावस्था के मनुष्य की अवस्थिति घटना के पूर्व ही वनस्पतियों का समृद्ध होना अनिवार्य है। इसके पूर्व जल का होना आवश्यक है। प्रत्येक भूमि पर किसी अधिकतम न्यूनतम शीत उष्ण और वर्षामान की सीमा में ही जीव एवं मनुष्य अपने जीवनी क्रम और जीवन के कार्यक्रम को संपन्न करने में समर्थ हुए हैं। प्राकृतिक वातावरण का संतुलन भी मनुष्य सहज जागृति के लिए सहयोगी है। इसलिए संतुलन के लिए आधार आवश्यक है। अशेष प्रकृति का संतुलन आधार सत्ता ही है जो पूर्ण है। प्रत्येक क्रिया के संतुलन का आधार नियम है जो पूर्ण है। प्रत्येक व्यवहार के संतुलन का आधार न्याय है जो पूर्ण है। प्रत्येक विचार के संतुलन का आधार समाधान है जो पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति में अनुभव का आधार सह अस्तित्व रूपी परम सत्य है जो समग्र है। प्राकृतिक एवं मानव संतुलन एवं असंतुलन का प्रधान कारण मनुष्य ही है। भ्रमित अवस्था में मनुष्य कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव कर्म करते समय तथा फल भोगते समय स्वतंत्र है। जागृत अवस्था में समझकर करने वाली परंपरा रहेगी तथा भ्रमित अवस्था में करके समझने वाली परंपरा रहेगी। प्राकृतिक वैभव का विशेषकर मनुष्य ही उपयोग करता है जो प्रत्यक्ष है। इसलिए ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए भूमि में आवश्यकीय मात्रा में खनिज वनस्पति को सुरक्षित रखते हुए उपयोग करना
साथ ही उसकी उत्पादन प्रक्रिया में विघ्न उत्पन्न न करना और सहायक होना ही प्राकृतिक नियम का तात्पर्य है। यह पूर्णतः मानव का दायित्व है। वनस्पति एवं खनिज जिनकी उत्पत्ति की संभावना एवं क्रम स्पष्ट है, उनका उन्हीं के अनुपात में व्यय करना उचित है, अन्यथा प्राकृतिक दुर्घटनाओं से ग्रसित हो जाना स्वाभाविक है। शिक्षा एवं व्यवस्था ही सामूहिक सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। सामाजिक संतुलन स्वधन स्वनारी स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार से है। इसके विपरीत में असंतुलन के लिए पर नारी पर पुरुष पर धन एवं पर पीड़ा ही है, जो प्रत्यक्ष है। व्यक्ति के विचार संतुलन के मूल में आवश्यकीय एवं अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियों की सक्रियता पाई जाती है। मानव के आवश्यकीय मूल प्रवृत्ति के मूल में संस्कार ही रहता है। अनावश्यकता के मूल में विवस्ताएं दृष्टव्य हैं। आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां 5, अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां भी 5 हैं। आवश्यकीय मूल प्रवृत्तियां क्रम से असंग्रह समृद्धि स्नेह विद्या सरलता एवं अभय वर्तमान में विश्वास के रूप में, अनावश्यकीय मूल प्रवृत्तियां संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान एवं भय के रूप में प्रत्यक्ष हैं। प्राकृतिक संतुलन सामाजिक संतुलन एवं बौद्धिक संतुलन योग्य नियम ही आवश्यकीय नियम है। यही नियम त्रय है। आवश्यकीय नियमों का ज्ञान व अनुसरण निर्णय उसके सदुपयोग से सदुपयोग का निर्णय विकास एवं जागृति से विकास एवं जागृति का निर्णय बौद्धिक सामाजिक एवं प्राकृतिक नियमों के समझ व पालन से स्पष्ट होता है। मनुष्य के लिए अपने विकास एवं जागृति क्रम श्रृंखला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यकीय नियमों का अनुसरण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यही मानव जीवन जीवनी क्रम जीवन के कार्यक्रम का प्रत्यक्ष रूप भी है। इसलिए सांस्कृतिक मूल्यों का अवगाहन एवं निर्वहन व मूल्यांकन ही मानवकृत वातावरण है। मनुष्य में समाहित संस्कार ही उसके स्वभाव को अभिव्यक्त करता है। सुसंस्कार पूत पूर्वक मानव संस्कृति का उद्गम होता है। यह तब तक संस्कार पूत होता ही रहेगा जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। संस्कार पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप अति मानवीयता पूर्ण स्वभाव ही है। सुसंस्कृति संपन्नता का प्रत्यक्ष रूप मानवीयता पूर्ण स्वभाव है। विकृत संस्कृति का प्रत्यक्ष रूप ही अमानवीयता है। सामाजिकता पूर्ण संस्कृति मानवीयता पूर्वक स्पष्ट होती है। ऐसी मानवीयता के पोषण के लिए ही संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था है। ये परस्पर पूरक हैं, क्योंकि संस्कृति का पोषण सभ्यता सभ्यता का पोषण विधि विधि का पोषण व्यवस्था व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती है। जागृत परंपरा में मानवीयतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कारों का ही प्रदर्शन है, क्योंकि जागृत परंपरा में संस्कार विहीन मनुष्य नहीं है, जबकि भ्रमित मानव परंपराएं समुदायों के रूप में गणने हैं। यही संपूर्ण समस्या का कारण है। समस्याएं संस्कार का प्रमाण नहीं है, क्योंकि सभी समस्याएं समाधानित होते ही हैं। चित्रण व विचार ही क्रमशः कला एवं उपादेयता को प्रकट करता है। विचार संस्कार से संबद्ध रहना ही जागृति है। मानवीयतापूर्ण संस्कार ही सार्वभौमिक संस्कृति का द्योतक है। इससे निम्न अर्थात अमानवीय संस्कृति का सार्वभौम होना संभव ही नहीं है। इसलिए सामाजिक नियमों के पालन से ही स्वस्थ संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है। फलतः समाज की अखंडता एवं उसकी अक्षुण्णता सिद्ध होती है। मानव ही ऐसी इकाई है जो केवल अपनी ही सुख सुविधा से संतृप्त नहीं है, अपितु व्यवहार से संतृप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त सुविधा की सुरक्षा एवं सदुपयोग चाहता है।
जो अनिवार्य है। इस प्रकार मनुष्य सामाजिक व न्यायिक इकाई सिद्ध हुआ है या सिद्ध होने के लिए बाध्य है। सामाजिकता बौद्धिकता एवं भौतिकता का संयुक्त रूप है। बौद्धिक क्षमता के नियंत्रण में भौतिकता है, क्योंकि विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार सिद्ध नहीं होता है। प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ दृष्टियां भौतिक व्यवसाय तथा उसके उपयोग में प्रयुक्त हुई हैं। न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य दृष्टियां व्यवहार तथा आचरण में निर्णायक सिद्ध हुई हैं। सदशास्त्र अध्ययन के बिना सत्य कामना, सत्य कामना के बिना सत्य प्रेम के बिना सत्य निष्ठा के बिना सत्य प्रतिष्ठा के बिना सत्य प्रतीति के बिना सत्यानुभव, सत्यानुभव के बिना सदशास्त्र का उद्घाटन तथा सदशास्त्र के उद्घाटन के बिना सदशास्त्र का अध्ययन पूर्ण और सार्थक नहीं है। सत्य प्रतीति में ही संयत आचरण एवं व्यवहार में निष्ठा पाई जाती है। संयत आचरण व व्यवहार के बिना स्व पर के लिए न्याय सम्मत लाभ व हित होना संभव नहीं है। न्याय सम्मत लाभ और हित ही समृद्धि है। अन्यायपूर्ण लाभ और हित ही दुख और समस्या के रूप में प्रत्यक्ष है। योग जन्य बुद्धिपूर्ण जीवन ही अति मानवीयता के रूप में, सुकर्म जन्य बुद्धिपूर्वक यापन किया गया जीवन मानवीयता के रूप में, तथा दुष्कर्म जन्य बुद्धि सहित किया गया जीवन यापन अमानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। सदव्यय के बिना सत्य प्रेम, सद प्रवृत्ति, सत्कर्म, सुख, शांति, संतोष एवं आनंद नहीं है। इसलिए मनुष्य सत्य ज्ञान, सत्यता के दर्शन योग्य अध्ययन, कर्म व आचरण करने के लिए उन्मुख है, क्योंकि इसकी संभावना एवं आवश्यकता है जो विधिवत जीवन है। मानवीयतापूर्ण अथवा मानवीयता में प्रत्येक कार्यक्रम विधि और व्यवस्था है। उसका आचरण ही सभ्यता और उस परंपरा का निर्वाह ही संस्कृति है। मनुष्य में दुख, अशांति, असंतोष ही द्वंद्व है और यही द्वंद्व का फल भी है। भ्रमित मनुष्य के परस्पर द्वंद्व, संग्रह, सुविधा, भोग में आसक्ति एवं प्रतिद्वंद्व वश समृद्धि के लिए प्रयत्नशील मानव भय और भ्रांति से ग्रस्त हो जाता है। जैसे मनोहर वन में मानव क्रूर वन प्राणियों के स्मरण मात्र से ही भयाक्रांत अथवा भय दृष्टा हो जाता है। मनुष्य के लिए अशेष परिस्थितियां उनसे संपादित कर्म, उपासना, ज्ञान योग्य क्षमता से ही निर्मित होती है। यही परिस्थितियां उचित अनुचित वातावरण का रूप धारण करती है। इसलिए जागृत मनुष्य का आचरण एवं व्यवहार ही व्यवस्था है, जो शांति का कारण है। जहां तक मनुष्य का संपर्क है, वहां तक दायित्व का अभाव नहीं है। संबंध में दायित्व का निर्वाह होता ही है। संबंध में दायित्व प्रधान कर्तव्य और संपर्क में कर्तव्य प्रधान दायित्व वर्तमान है, यही सामाजिक है। सर्वसम्मति योग्य शांति, समाधान एवं समृद्धि के कारण बोध सहित विधिवत व्यवस्था प्रक्रिया द्वारा शुभ वातावरण का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में सदशास्त्र सेवन एवं अभ्यास सर्व सुलभ हो जाता है। अखंड सामाजिकता को प्रतिपादित करने योग्य शास्त्र व विचार, प्रचार संपन्न सामाजिक कार्यक्रम, परिष्कृत विधि व्यवस्था और विधान संपन्न व्यवस्था, आचरण संपन्न व्यक्ति, उसके प्रोत्साहन योग्य परिवार ही अखंड समाज का प्रत्यक्ष रूप है। यह मानव की चिर आकांक्षा और प्रमाण है। यही उनकी तृष्णा है और उसकी संभावना भी है। इसलिए मनुष्य को जीवन की प्रत्येक स्थिति में शांति एवं स्थिरता की आवश्यकता है। सदशास्त्र सेवन, मनन एवं आचरण से व्यक्ति तथा परिवार में शांति तथा स्थिरता पाई जाती है।
समग्रता के प्रति निर्भमता को प्रदान करने, जागृति की दिशा तथा क्रम को स्पष्ट करने, मानवीय मूल्यों को सार्वभौमिक रूप में निर्धारित करने, मानवीयता से अति मानवीयता के लिए समुचित शिक्षा प्रदान करने योग्य क्षमता संपन्न शास्त्र तथा शिक्षा प्रणाली ही शांति एवं स्थिरतापूर्ण जीवन को प्रत्येक स्तर में प्रस्थापित करने में समर्थ है। इसके बिना मानव जीवन में स्थिरता एवं शांति संभव नहीं है, जो स्पष्ट है। मनुष्य सुख, शांति, संतोष और उसकी स्थिरता के लिए उपलक्ष्य की ओर गतिशीलता में ही समस्त कर्मों को करना चाहता है। मनुष्य कर्म करते समय में स्वतंत्र होने के कारण कर्म फलों से ही सुखी एवं दुखी होता है, जो प्रत्यक्ष है। मानवीयता के सीमा में किया गया बौद्धिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में संपूर्ण कर्म सुखदायी है। यही अमानवीयता की सीमा में दुखदायी है, जो प्रत्यक्ष है। इस वर्तमान में मनुष्य चार प्रकार से गण्य है: पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी, दुखी। मानव की पांचों स्थितियों, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्र में पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी एवं दुखी के साथ व्यवहार करने की नीति रीति में अपनी अपनी विशेषताएं दृष्टव्य हैं। यथाक्रम से व्यक्ति की सीमा में पूज्य, तटस्थ, संतोष एवं दया भाव, परिवार की सीमा में गौरव, उपेक्षा, सहकारिता एवं सेवा भाव, समाज की सीमा में पुरस्कार, परिमार्जन, सहयोग और सहकार भाव, राष्ट्र की सीमा में सम्मान, दंड, आश्वासन एवं सहयोग भाव, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संरक्षण, उद्धार, संवर्धन और परिष्करण भाव, पूर्ण रीति नीति पद्धति, विधि विधान, व्यवहार, आचरण संपन्न जीवन ही सफल, अन्यथा असफल है। इसलिए यथा अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान सहित व्यक्ति कुटुंब, समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्र की नीति एवं तदनुकूल किए गए कर्म, उपासना, व्यवहार, व्यवस्था, प्रचार, प्रयोग, प्रदर्शन एवं शिक्षा असामाजिक सिद्ध हुई है। समाज एवं सामाजिकता के बिना मनुष्य जीवन में कोई मूल्य तथा कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है। कार्यक्रम विहीन मनुष्य नहीं है, कार्यक्रम ही कर्म है। कर्म मात्र ह्रास या विकास एवं जागृति के लिए सहायक है। ह्रास या विकास की ओर गतिशील ना हो ऐसी कोई इकाई जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में नहीं है। विज्ञान और विवेक ही जागृति की पूर्णता के लिए एकमात्र आधार है। ऐसी क्षमता से संपन्न होने के लिए ही परिष्कृत कर्मों में प्रवर्तन है। यही मानव की पांचों स्थितियों एवं चारों आयामों में वर्तनीय है। यथार्थ दर्शन विहीन अंतर्राष्ट्र, समाधान पूर्ण कार्यक्रम एवं कोष विहीन व्यवस्था, धर्म पतित निश्चय विहीन समाज, सच्चरित्र रहित कुटुंब, सदाचरण से रिक्त व्यक्ति सतत चिंतातुर हैं। धर्म का प्रत्यक्ष रूप ही सामाजिकता है, यही संस्कृति व सभ्यता है। मनुष्य की परस्परता में निर्भरता के लिए ही संस्कार मनुष्य की परस्परता में निर्विषमता के लिए ही संस्कार, संस्कृति व सभ्यता की अनिवार्यता है, यही उपादेयता भी है। समग्रता के प्रति रहस्य विहीन दर्शन को धारण करने में असमर्थ अंतर्राष्ट्र, सत्यता के रक्षण में एवं संवर्धन प्रक्रिया में असमर्थ व्यवस्था, सत्यता का प्रचार करने में असमर्थ समाज, सत्यता का अनुसरण करने में असमर्थ परिवार, सत्यता पूर्ण आचरण करने में असमर्थ व्यक्ति घोर क्लेश से पीड़ित है। अनावश्यकता का त्यागहीन जीवन, आधार व निश्चय विहीन व्यवस्था विधि, जागृति विहीन कर्म ही मानव कुल को व्याकुल करते हैं। ये सब मानवीयता की सीमा में ही परिमार्जित एवं समाधानित होते हैं। अवकाश से अधिक आवश्यकताओं को अपनाने से ही समस्त प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां क्रियाशील होती हैं। ये प्रधानतः शोषण के रूप में होती है, जो स्व पर हानिकारक होती है। तन मन धन रूपी साधन ही अवकाश है। असंयत आवश्यकता के लिए साधन का कम हो जाना,
संयत आवश्यकताओं में साधन का अधिक हो जाना स्वाभाविक है। असंयत आवश्यकता में अपव्यय समाहित है, इसलिए मानव के लिए मानवीयता ही संयमता का फल है। मनुष्य में रूप, बल, बुद्धि, पद, धन, कर्म, उपासना, आवश्यकता, अवसर एवं अवकाश समीचीन है। इसलिए भी क्रिया में न आने वाले आश्वासन, योग्यता से अधिक अधिकार, सिद्धांत विहीन शास्त्र, आधार विहीन विधि, दिशा विहीन आचरण, ये सब क्लेश परंपरा के कारण है। विधि के आधार तीन प्रकार से गण्य है, सत्याधार, कर्म आधार और विषय आधार। सत्याधार को स्पष्ट करने योग्य शास्त्र के आधार पर जो विधि विधान है उससे मनुष्य को सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की उपलब्धि है, जो मानवीयता तथा अति मानवीयता के सीमा में सफल है। सत्यता के आधार पर आधारित विधि विधान एवं नीति ही अंतर्राष्ट्रीयता की एकात्मकता है। यही परस्पर राष्ट्रों की एक सूत्रता सहस्तित्व पूर्ण है। यही वर्ग एवं राज्य विहीन मानव जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। कर्म आधार पर निर्धारित विधि विधान संपन्न शासन प्रक्रिया में स्वपर लाभ अलाभ होता है, यह वर्ग भावना से मुक्त नहीं है। विषय आधार पर आधारित विधि विधान संपन्न शासन प्रक्रिया में स्वपर हानि होती है, इसमें समाज की कोई व्याख्या नहीं है, समुदाय ही इसकी सीमा में विवेकपूर्ण विचार, उपासना, इच्छा सहित किया गया प्रत्येक कर्म सभी स्तर पर श्रेष्ठकर होता है। दर्शन क्षमता जागृति पर, जागृति आकांक्षा एवं आचरण पर, आकांक्षा एवं आचरण शिक्षा एवं अध्ययन पर, शिक्षा एवं अध्ययन व्यवस्था पर, व्यवस्था दर्शन क्षमता के आधार पर होना पाया जाता है। ज्ञान अनुकूल यत्न, यत्न अनुकूल कार्य, कार्य अनुकूल फल परिणाम, फल परिणाम के अनुकूल अनुभव, अनुभव अनुकूल ही ज्ञान स्पष्ट हुआ है, जो प्रसिद्ध है। तीन प्रकार के कर्म फलों को पाने के लिए ही मनुष्य आद्यांत कार्य करता है। स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ के लक्ष्य भेद से संपूर्ण कर्म संपन्न होते हैं। इनके मिश्रण से भी कर्म संपन्न होता है, यथा स्वार्थ, स्वार्थ परार्थ, परार्थ, परार्थ परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ परार्थ और परमार्थ स्वार्थ का प्रभेद प्रत्यक्ष है। यही मनुष्य की विषम, विषम सम, सम, सम मध्यस्थ और मध्यस्थ बुद्धि का परिचायक है। मध्यस्थ बुद्धि योग में, सम बुद्धि सत्कर्म में, विषम बुद्धि दुष्कर्म में प्रवृत्त और प्रसक्त पाई जाती है। यही मानव में कर्म विविधता का कारण है। ये संपूर्ण विविधताएं मानवीयता की सीमा में सविरोधी स्थिति से मुक्त हो जाती है। इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य नियम त्रय का आचरण ही है। प्रत्येक योग और वियोग में मूल्यों की प्रतीति एवं नियोजन पाया जाता है। संयोग से भाव, भाव से क्रिया, क्रिया से संयोग, यही सापेक्षता एवं व्यवहार क्रम चक्र है। सामाजिक मूल्यों का निर्धारण एवं निर्वाह करने की क्षमता नहीं, सामाजिकता पूर्ण व असामाजिकता सहित व्यक्तित्व को स्पष्ट किया है। यही मनुष्य के ह्रास और विकास का परिचायक है। उच्च और नीच प्रकार से परस्पर में भाव क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिनसे ही उनके विकास का परिचय होता है। उच्च भावपूर्ण परिवार, सम मध्यस्थ संयोगपूर्ण समाज, मध्यस्थ संयोगपूर्ण व्यवस्था तंत्र एवं व्यवहार ही सर्व मंगल कार्यक्रम है। निम्न, नीच भाव तथा समस्याग्रस्त कुटुंब, विषय संयोग सहित समाज तथा सामाजिक कार्यक्रम, न्याय के अभाव से ग्रस्त शासन की व्यवस्था, ये सब असंतुलन व क्लेश के कारण है।
स्पष्ट दर्शन क्षमता के बिना सत्कर्म का निर्धारण नहीं है। यही क्षमता सम विषम मध्यस्थ क्रिया प्रक्रिया प्रयोजन का निर्णय करती है, साथ ही आचरण व्यवहार व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली में पूर्णता स्थापित करती है। व्यवहार के लिए विवेक और विज्ञान, उत्पादन के लिए विज्ञान पूर्ण ज्ञान अनिवार्य है। ऐसा ज्ञान प्रत्येक जागृत व्यक्ति की क्षमता व आवश्यकता के अनुसार प्रकट एवं व्यवहारित होता हुआ पाया जाता है। व्यवहारिक मूल्यों का निर्धारण विवेचना पूर्वक ही होता है। विवेचनाएं आत्मा के अमरत्व, शरीर के नश्वरत्व एवं व्यवहार नियम के अनुसार है। व्यवहारिक मूल्य मानवीयता के अर्थ में सार्थक होते हैं। इसके आधार पर नियम त्रय बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक सिद्ध हुई है। मनुष्य की परस्परता में किया गया आचरण एवं निर्वाह सहस्तित्व विधि से सार्थक तथा असहस्तित्व विधि से असार्थक और समस्या है। यथार्थ ज्ञान क्षमता का प्रत्यक्ष रूप ही मानवीयतापूर्ण आचरण है। समझने की क्षमता ही परस्परता में ज्ञान का उद्घाटन है। समझने की क्षमता व्यंजनीयता है। इकाई की मूल व्यंजनीयता सत्ता में संपृक्तता ही है। यही संपृक्तता की अनुभूति ही पूर्ण व्यंजनीयता है। चैतन्य इकाई की व्यंजनीय क्षमता में गुणात्मक परिमार्जन ही संस्कार है। यही दर्शन क्षमता एवं अनुभव क्षमता है। परिमाण एवं सीमा का दर्शन सत्य में अनुभव प्रसिद्ध है। व्यंजनीयता का क्षमता क्रम ही जागृति क्रम को और जागृति को प्रकट करता है। दर्शक व दृश्य प्रकट है। प्रकटन को प्रमाणित करने के लिए दर्शक का रहना आवश्यक है। दर्शक ही व्यंजनीय क्षमता से प्रतिष्ठित है, इसलिए प्रकृति अनंत इकाइयों का समूह है, यही दृश्य राशि है। प्रत्येक दर्शक भी दूसरे दर्शक के लिए दृश्य है। प्रत्येक इकाई अपने जागृति के अनुरूप दर्शक है। मानव जीवन के आद्यांत कार्यक्रम एवं आचार तीन प्रकार से गण्य है, सत्याचार, लोकाचार और विषयाचार। ये क्रम से उत्तम, मध्यम एवं अधम की परिगणना में है। मानवीयतापूर्ण आचरण ही अवधारणा का प्रमाण है। अवधारणा ही प्रवृत्ति व निवृत्ति में प्रमाणित होती है। प्रवृत्ति व निवृत्ति ही संवेग व विवेक, संवेग व विवेक ही अनुगमन व अनुसरण, अनुगमन व अनुसरण ही उद्घाटन, उद्घाटन ही प्रकटन, प्रकटन ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही प्रमाण, प्रमाण ही अनुभूति, अनुभूति ही क्षमता, योग्यता और पात्रता, क्षमता, योग्यता व पात्रता ही स्थितिवत्ता, स्थितिवत्ता ही विभव, विभव ही वैभव और वैभव ही आचरण है। दृष्टापद ही दर्शन क्षमता का प्रतिरूप है और व्यवहार उसके अनुरूप है जो प्रसिद्ध है। विचार के अभाव में शरीर द्वारा कोई कार्य व्यवहार सिद्ध नहीं होता या प्रत्यक्ष नहीं होता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शरीर द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण क्रियाकलापों के मूल में विचार ही है। शरीर विचार नहीं है, यह विचार को प्रसारित करने का माध्यम है। इस निष्कर्ष से विचार शरीर से अतिरिक्त है और यही चैतन्य है। वैचारिक क्षमता मानव की पांचों स्थितियों में स्थित है। वैचारिक क्षमता से अधिक या कम मानव नहीं है, इसलिए सर्व मानव क्षमता में, इसलिए सर्व मानव क्षमता में समान है। वैचारिक क्षमता के परिमार्जन हेतु सतमार्ग एवं योगाभ्यास प्रसिद्ध है। यही संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन भी है। पुनः यही वैचारिक क्षमता है। यह क्रम मानवीयता तथा अति मानवीयता पूर्ण आचरणों से संपन्न होते तक परिपूर्ण व्यवस्था है। यह नियम त्रय के पालन, अनुसरण एवं अनुशीलन पूर्वक सफल है, अन्यथा असफल है। योगाभ्यास, मिलन का अभ्यास। मिलन के अनंतर सुकृति जीवन जागृति के रूप में, विकृति अमानवीयता के रूप में दृष्टव्य है। प्रत्येक मनुष्य प्रबुद्धता के लिए प्रयासरत है।
प्रयासरत का प्रत्यक्ष रूप ही आचरण है। यह मानवीयता तथा अति मानवीयता की सीमा में पूर्ण अन्यथा अपूर्ण है। जीवन का कार्यक्रम ही कर्म है, यही आचरण है। मनुष्य में आचरण का स्तर 7 प्रकार से गण्य है। प्राण, जीव, काम, लाभ, कला, प्रदर्शन, सहज। इनमें से प्राण, जीव, काम, लाभ के लिए आचरण पशु मानव और राक्षस मानव में प्रत्यक्ष है, जो उनका स्वभाव है। समृद्धि, कला और बोध के लिए आचरण मानवीयतापूर्ण मनुष्य में पाया जाता है। बोध एवं सहजता के लिए आचरण दिव्य मानवीयतापूर्ण मनुष्य में प्रत्यक्ष है, जो उनका स्वभाव है। मनुष्य के लिए मानवीयता एवं अति मानवीयतापूर्ण आचरण ही नितांत उपयोगी एवं आवश्यक है, अन्य अनुपयोगी एवं अनावश्यक सिद्ध हुआ है। मानव की 5 स्थितियां परस्पर पूरक हैं। इनकी एक सूत्रता ही अखंड सामाजिकता है। यह नियम त्रय पालन का सर्व सामान्य होने से है। प्रत्येक आविष्कार एवं अनुसंधान व्यक्ति मूलक उद्घाटन है। यह शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से सर्व सुलभ हो जाता है। यही सर्व सामान्यीकरण प्रक्रिया है। जिसका विभव एवं वैभव है, उसी का आविष्कार है, क्योंकि उसके पहले उसका स्पष्ट ज्ञान मनुष्य कोटि में था ही नहीं, इसलिए उस समय में यह आविष्कार है। अस्तित्व का प्रकटन ही आविष्कार है। आविष्कार की सामान्यीकरण प्रक्रिया ही शिक्षा है। मनुष्य के लिए जितना उन्नताविकास है, उतना ही पतन के लिए भी अवकाश है। पतनोन्मुखी क्रियाकलाप ही अपराध या गलतियां हैं। इसी का प्रत्यक्ष रूप ही दुख, अशांति, असंतोष एवं असहस्तित्व है। पतनोन्मुखी जीवन की श्रृंखला में अपराध के 3 कारण दृष्टव्य हैं: अभाव, अत्याशा एवं अज्ञान। इसके साथ ही राग, द्वेष, असत्य, अभिमान, भय, आलस्य, रोग और असफलता भी है। इनका निराकरण क्रम से अभाव को उत्पादन एवं अभ्यास से, अत्याशा को विवेक से, अज्ञान को ज्ञान से, राग को विराग से, द्वेष को स्नेह से, असत्य को सत्य से, अभिमान को सरलता से, भय को अभय से, आलस्य को चेष्टा से, असफलता को पराक्रम व पुनः प्रयोग से, रोग को औषधि आहार एवं विहार से समाधान एवं परिहार करने की व्यवस्था है, जो मनुष्य के लिए एक अवसर है, यही आवश्यकता है। वैज्ञानिक क्षमता का अपव्यय न होना ही अर्थ का अनर्थ न होना है। विवेक का उपयोग हो जाना ही समाज की अखंडता है, जो स्वर्गीयता है। विज्ञान मनुष्य से कम विकसित का परिमाणीकरण पूर्वक नियंत्रण करने के लिए योग्यता है, जो पूर्णतया उत्पादन क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुआ है और आंशिक रूप से व्यवहार में, जबकि विवेक स्वयं के विश्लेषण पूर्वक सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट करता है। व्यवहारिक मूल्य ही अस्थिर मूल्य है। व्यवहारिक मूल्य ही स्थिर मूल्य है। मनुष्य संबंध एवं संपर्क सीमा पर्यंत व्यवहार के लिए बाध्य है। मूल्य विहीन संपर्क एवं संबंध नहीं है। प्रत्येक परस्परता में अपेक्षाएं समाहित है। मूलतः यही सापेक्षता है, यही बाध्यता है। दृष्टिगोचर के आधार पर ही प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम क्रिया का वर्गीकरण एवं निर्धारण है। सानिध्य की निरंतरता का अनुभव ही प्रत्यक्ष, सानिध्य की निरंतरता की संभावना ही अनुमान, सानिध्य संभावना के अतिरिक्त अस्तित्व ही आगम क्रिया है। प्रकृति की अनंतता एवं सत्ता में पूर्णता ही अनुमान अतिरिक्त अस्तित्व का प्रमाण है। स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण भेद से प्रत्यक्ष क्रियाएं हैं। सामान्य बुद्धि से स्थूल, विशेष बुद्धि से सूक्ष्म, विशिष्ट बुद्धि से कारण का प्रत्यक्षीकरण
प्रत्यक्षीकरण प्रसिद्ध है। इसी के आधार पर अनुमान और आगम क्रिया का भी स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप में रहने का प्रमाण सिद्ध होता है। रूप और गुण स्थूल, गुण और स्वभाव सूक्ष्म, स्वभाव और धर्म कारण क्रियाएं हैं। इसलिए व्यवहार उत्पादन कर्मों में तीन स्तर में प्रवृत्तियों को पाया जाता है, स्वतंत्र, अनुकरण, अनुसरण। स्वतंत्र प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता उन परिप्रेक्ष्यों में स्पष्ट होती है जिनके संबंध में ये विशेषज्ञ हैं। जो विशेषज्ञ होने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें अनुकरण क्रिया में व्यस्त पाया जाता है। जिनमें विशेषता के प्रति इच्छा जागृत नहीं हुई है, उन्हें अनुसरण क्रिया में अनुशीलन पूर्वक ही कर्म एवं व्यवहार रत पाया जाता है। ये विकास एवं अवसर के योगफल का द्योतक है। अवसर प्रधानतः व्यवस्था एवं शिक्षा ही है। स्वतंत्र सक्रियता स्थूल सूक्ष्म एवं कारण क्रिया की सानिध्यानुभूति क्षमता से अनुकरणात्मक सक्रियता स्थूल एवं सूक्ष्म क्रिया की सानिध्यानुभूति क्षमता से, अनुसरणात्मक सक्रियता स्थूल क्रिया की अनुभूति क्षमता से संपन्न पाई जाती है। यही व्यंजनीयता की क्षमता में प्रत्यक्ष अंतरांतर है। स्वतंत्र सक्रियता में नियंत्रण क्षमता, अनुकरण क्षमता में स्वेच्छा से नियंत्रित होने की क्षमता, अनुसरण सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है। सार्वभौमिक कामना अनुरूप कार्यक्रम में रत होने से ही सभी स्थितियों में दोष दूर होते हैं। यही मांगल्यप्रद है। पर धन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ा ही व्यवहारिक, सामाजिक एवं भौतिक उन्नति तथा जागृति में बाधक है। राग, द्वेष, अविद्या एवं अभिमान बौद्धिक जागृति में अवरोधक सिद्ध हुए हैं। भय आध्यात्मिक अनुभूति योग्य क्षमता के विकास में अवरोधक है। प्राकृतिक वैभव के अपव्यय से ऋतु असंतुलन एवं उससे क्लेशोदय होता है, जो प्रत्यक्ष है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष एवं दयापूर्ण कार्य व्यवहार तथा आचरण से सामाजिक सुख एवं संतुलन का, असंग्रह स्नेह विद्या एवं सरलता से बौद्धिक सुख का, अभयता से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव है। यही भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिकता का उत्पादन, विचार एवं अनुभूति का, व्यक्ति का व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्र की एक सूत्रता, संतुलन, समाधान एवं समृद्धि है। यही सार्वभौमिक साम्य कामना है। समस्त कर्मों से मानव ने सत्य में प्रतिष्ठा, धर्म में आरूढ़ता, न्याय में निरंतरता एवं वस्तु की उपयोगिता का अनुभव करने की कामना एवं प्रयास किया है, जिसके लिए सत्याभिमुखी, धर्माभिमुखी, न्यायाभिमुखी तथा विषयाभिमुखी प्रयास किए हैं। यह प्रत्यक्ष है। भौतिक द्रव्यों का नियंत्रण, उपार्जन, उपयोग एवं सदुपयोग, सामाजिक मूल्यों का वहन निर्वहन, आचरण एवं निरंतरता, सत्यता, सत्य का बोध एवं अनुभव ही प्रतिष्ठाएं हैं। इनके बिना मनुष्य तृप्त एवं निर्भ्रांत नहीं है। उत्पादन और सेवा में अर्थ का उपार्जन, अर्थ के सदुपयोग में समृद्धि, संयत उपयोग एवं सदुपयोग में संतुलन, सार्वभौमिक धर्म में समाधान, सत्य सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसिद्ध है। अनुभूति आनंद ही नित्य प्रतिष्ठा, धर्म एवं न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, विधि एवं शिक्षा ही समाधान एवं अमर प्रतिष्ठा, विषय प्रवृत्ति ही अल्प प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित पाई जाती है। इसलिए क्रिया, कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया, फल और शक्तियां ये परस्पर पूरक हैं। क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां, शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म हैं। ये सभी पदार्थ की सीमा में द्रष्टव्य हैं। श्रम, गति एवं परिणामशीलता
क्रिया की, उसका परावर्तन कर्म की, अर्थवत्ता पद की, विकासशीलता प्रक्रिया की, उपयोगिता फल की, तरंग दबाव एवं प्रभाव शक्तिवत्ता की, स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। ये सब पदार्थ की सीमा में पाए जाने वाले परावर्तन या परिवर्तनशील प्रकटन हैं। इसलिए सापेक्ष रूप से जड़ शक्तियां एवं अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियां स्थितिशील हैं और निरपेक्ष रूप में अध्यात्म सत्ता स्थिति पूर्ण है। जड़ शक्तियां ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण एवं ध्वनि के रूप में, चैतन्य शक्तियां आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रसिद्ध हैं। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की आधारपूर्ण सत्ता ही आध्यात्म है, जो निरपेक्ष है। मध्यस्थ क्रिया एवं सत्ता में बोध एवं अनुभूति होती है। मध्यस्थ क्रिया ही आत्मा और सत्ता ही मध्यस्थ है। इसलिए जड़ शक्तियां प्रधानतः गतिशील, चैतन्य शक्तियां संचेतनशील हैं। अभाव, भाव और तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। यह क्रम से अभाव में वेदना, भाव में संवेदना एवं तिरोभाव में संबोधना है। यही सम्यक बोध है, यही अनुभव का पूर्ण लक्षण है। अभाव का भाव के लिए प्रयोग और उत्पादन, भाव की पूर्णता के लिए आचरण एवं व्यवहार, भाव का तिरोभाव के लिए अभ्यास प्रसिद्ध है। भाव ही मौलिकता, मूल्य एवं अर्थ है। प्रत्येक अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है। इसलिए संचेतना के अभाव में मूल्य, भाव एवं मौलिकता का निर्धारण नहीं है। संचेतना क्षमता में ही स्थितिवत्ता की दिशा, काल, मात्रा, गति, उपयोग, गंतव्य, योग, वियोग, ह्रास, जागृति, उचित अनुचित एवं विधि निषेध का निर्णय एवं विवेचना करने की विशेषता निहित है। यह जब तक सार्वभौमिक रूप में शिक्षाप्रद एवं अवगाहन योग्य न हो, तब तक संदिग्धता, वाद विवाद, सीमा और भ्रांतियां हैं। फलतः वर्ग एवं समरोन्मुखता भावी है। निर्णायक क्षमता कारण, गुण, गणित के रूप में, विवेचना क्षमता आत्मा के अमृत, शरीर का नसुरत एवं व्यवहार के नियमों को स्पष्ट करने की प्रबुद्धता के रूप में प्रत्यक्ष है। जड़ शक्तियों की अपेक्षा में चैतन्य शक्तियां अधिकाधिक सक्षम है। इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि चैतन्य शक्तियों के अभाव में मनुष्य के शरीर द्वारा संपादित होने वाला क्रियाकलाप सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मनुष्य शरीर के लिए जितना ईंधन प्रायोजित करता है, उससे अधिक मात्रा में शक्तियों का बहिर्गमन करता है। इसलिए भी चैतन्य शक्तियों की क्षमता जो 5 रूप में गण्य है, उसका मूल्यांकन एवं अनुभव उन्हीं की परस्परता में संपन्न होता है। आशा से संपन्न मन विचार से संपन्न वृत्ति का अनुभव करता है। विचार से संपन्न वृत्ति आशा से संपन्न मन का दर्शन करती है। विचार से संपन्न वृत्ति इच्छा से संपन्न चित्त का अनुभव करती है। इच्छा से संपन्न चित्त विचार से संपन्न वृत्ति का दर्शन करता है। शुभ इच्छा से संपन्न चित्त, सत संकल्प से संपन्न बुद्धि, सहअस्तित्व में अनुभव पूर्ण आत्मा जागृति का प्रमाण है। अनुभव पूर्ण आत्मा संकल्प संपन्न बुद्धि का दर्शन करती है। यही अनुभव समुच्चय है, यही पूर्ण जागृति है। अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है। इसलिए अधिक जागृत का कम जागृत पर नियंत्रण है, कम जागृत अधिक जागृत के नियंत्रण में है।
इसलिए भी मनुष्य जीवन में ही स्थूल सूक्ष्म कारण संबद्ध विशेषताएं दृष्टव्य हैं। इन तीनों स्थितियों में सुख शांति संतोष एवं आनंद की ही अपेक्षा है। मनुष्य का स्थूल जीवन सुख एवं शांति की अपेक्षा में, सूक्ष्म जीवन शांति व संतोष की अपेक्षा में एवं कारण जीवन आनंद एवं परम आनंद की प्रतीक्षा में है, जिसके लिए यह जागृति क्रम है। इसी के अनुकूल सर्वतोमुखी कार्यक्रम ही जागृति है। यही भौतिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां भी हैं। यह केवल मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण कार्यक्रम पूर्वक सफल हुआ है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में पाए जाने वाली शक्तियों की प्रयुक्ति एवं नियोजन उद्भव विभव एवं प्रलय की सीमा में ही है। इससे अधिक परिप्रेक्ष्य में गुण नियोजन एवं प्रयुक्ति नहीं है। संपूर्ण नियोजन का आद्यांत अभिष्ट जागृति की पूर्णता ही है। इकाई की जागृति पूर्णता में ही संबोधन क्षमता प्रकट हुई है। उद्भव विभव प्रलय में से विभव ही सर्वस्वीकृत घटना है। जागृति की पूर्णता में ही विभववत्ता की प्रतिष्ठा पाई जाती है। उसके पूर्व योग वियोग और संयोग सापेक्षता की सीमा में व्यवहार कर्म विहार रत पाए जाते हैं। ये सब स्थितियां जागृति के कर्मांतर का द्योतक हैं। कर्म फलवती है। भ्रमित मनुष्य फल भोगते समय में परतंत्र है। इसी सार्वभौमिक नियम वश ही मनुष्य कर्म और उसकी फलवत्ता के प्रति निर्भ्रम होने के लिए बाध्य है। मनुष्य द्वारा भ्रमित अवस्था में किया गया कर्म एवं उसका स्वभाव, फल के प्रति संदिग्धता सशंकता तथा अज्ञानता का होना दृष्टव्य है, जबकि यह उपलब्धि मनुष्य से वांछित नहीं है। विभव में प्रयुक्त गुण ही मध्यस्थ, प्रलय में प्रयुक्त विषम, उद्भव में प्रयुक्त सम है। यही क्रम से परमार्थ स्वार्थ परार्थ कर्म है। व्यवहार के रूप में निर्भ्रांत भ्रांत एवं भ्रांता भ्रांत अवस्था में प्रत्यक्ष है। सम विषम मध्यस्थ शक्तियां क्रम से रजोगुण तपो तमोगुण एवं सत्वगुण है। सत्वगुण संपन्न व्यक्ति का आचरण व्यवहार के साथ दया आदर प्रेम जैसे मूल्यों सहित विवेक व विज्ञान क्षमता पूर्ण होता है। रजोगुण संपन्न व्यक्ति में धैर्य साहस सुशीलता जैसे मूल्यों सहित विज्ञान का सदुपयोग होता है। तमोगुण संपन्न व्यक्ति में ईर्ष्या द्वेष अभिमान एवं अहंकार जैसे अवांछनीय विकृतियों सहित विज्ञान क्षमता का अपव्यय होता है। इसलिए सत्य संबंध विधि व्यवस्था विचार आचरण व्यवहार शिक्षा दिशा कर्म एवं पद्धति के अनुसार वर्तना ही मानव में व्यष्टि व समष्टि का धर्म पालन है। मनुष्य का स्वधर्म पालन ही वर्ग एवं सीमा विहीनता है, जो स्वयं में सहअस्तित्व सामाजिकता समृद्धि संतुलन नियंत्रण संयमता अभय निर्विषमता सरलता एवं उदारता है। इसी में दया स्नेह उदारता गौरव आदर वात्सल्य श्रद्धा प्रेम कृतज्ञता जैसे सामाजिक स्थिर मूल्यों का वहन होता है। यही मानव की चिरवांछा भी है। यही स्वस्थ सामाजिकता की आद्यांत उपलब्धि है। सच्चरित्र पूर्ण व्यक्तियों की बाह्यता के लिए उनका सहयोग व प्रोत्साहन उनकी समुचित शिक्षा व संरक्षण एवं अनुकूल परिस्थितियां ही विश्व शांति का प्रत्यक्ष रूप है। इसके विपरीत में अशांति है जो अस्पष्ट है। व्यवहार त्रय नियम का पालन ही सच्चरित्रता है। यही मानव की पांचों स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है। यही सहज निष्ठा है और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ है। फलतः स्वास्थ्य व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशील होती है। व्यवहार त्रय का तात्पर्य जागृत मानव के द्वारा किया गया कायिक वाचिक मानसिक व्यवहार से है। समस्त परिणाम परिमार्जन एवं परिवर्तन पांच प्रकार से दृष्टव्य है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति पूर्णता
इसमें पदार्थावस्था परिणाम पूर्वक यथास्थिति पूरक रूप में प्रयोजनशील है। प्राणावस्था परिणाम पूर्वक स्पंदन पुष्टि सहित रचनाशील यथास्थिति व पूरक के रूप में प्रयोजनशील है। जीवावस्था परिवर्तन परिणाम सहित जीने की आशा पूर्वक यथास्थिति पूरकता सहित प्रयोजनशील है। मानव ज्ञानावस्था में गण्य है, यह परिमार्जन पूर्वक जागृति और जागृति पूर्णता सहज परंपरा है। यही यथास्थिति पूरकता रूप में प्रमाण होना पाया गया है। भोग एवं बहुभोगवादी जीवन में मनुष्य स्वयं को स्वस्थ बनाने तथा अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदत्त करने में समर्थ नहीं है और न हो सकता है। यह ज्वलंत तथ्य ही विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन का प्रधान कारण है। भोग संस्कृति का आधार नहीं है, इसलिए संस्कृति विहीन जीवन में तृप्ति अभय संतुलन एवं समाधान नहीं है, जबकि पूरी जागृति व्यवस्था तृप्ति अभय संतुलन और समाधान के लिए है। इसलिए भी संस्कृति के अभाव में सभ्यता विधि एवं व्यवस्था का असंदिग्ध होना संभव नहीं है। इसलिए यही क्षोभ संताप आवेश इसलिए यही क्षोभ संताप आवेश रोष आक्रोश द्वंद्व प्रतिद्वंद्व आतंक भय उद्वेग के रूप में स्पष्ट है। यह मनुष्य का इष्ट नहीं है, इसलिए वह इष्ट की ओर प्रगति के लिए बाध्य है। यही मनुष्य में विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन की संभावना है। साथ ही संस्कारों में गुणात्मक उदय के लिए अवसर है। संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्ष रूप ही है नियम त्रय का पालन। इसी विधि से संयत भोग प्रवृत्ति सामाजिक मूल्यों का निर्वाह क्षमता स्वभाव सिद्ध हो जाता है। संयत भोग प्रवृत्ति का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण है। इस विधि से जीकर देखा गया है, इसलिए यही सार्वभौमिक कामना भी है। परिमार्जित विचार ही विवेकपूर्ण विज्ञान है, यही निपुणता कुशलता एवं पांडित्य के रूप में सिद्ध हुआ है। प्रत्येक सिद्धि प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक हुई है जो प्रत्यक्ष है। भोग परिणाम की सीमा में पशु मनुष्य एवं राक्षस मनुष्य दृष्टव्य है। विचार परिणाम की सीमा में मनुष्य एवं देव मनुष्य प्रत्यक्ष हैं। दिव्य मनुष्य में कोई परिणाम परिमार्जन एवं परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि दिव्य मानव गंतव्य स्थित है, उसकी निरंतरता ही भावी है। इसलिए विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता ही पदार्थ का रूप रूप में निहित गुण गुण में निहित प्रभाव प्रभाव में निहित स्वभाव स्वभाव में निहित क्षमता क्षमता में निहित गति गति में निहित विधि विधि में निहित व्यवस्था व्यवस्था में निहित प्रभुता प्रभुता में निहित विभूता विभूता में निहित विभव विभव में निहित विश्व सत्ता में समाहित विश्व का अनुमान होता है। यही परिमार्जनशीलता की उपलब्धि है। प्रमाण के पूर्व अनुमान ज्ञातव्य है। विज्ञान का ऊर्ध्व व अधोमुखी प्रयोग हुआ है, जबकि विवेक केवल ऊर्ध्वमुखी प्रयोग की ही प्रतिष्ठा है। विज्ञान के ऊर्ध्वमुखी प्रयोग का तात्पर्य ऊर्ध्वमुखी प्रयोग के रूप में दूर संचार सुलभ होना स्पष्ट है और अधोमुखी प्रयोग से सामरिक तंत्र होना स्पष्ट हुआ। धरती में प्रदूषण के मूल में खनिज कोयला खनिज तेल विकिरणीय द्रव्यों का ईंधनावशेष के रूप में दृष्टव्य है। विज्ञान शक्ति के सही प्रयोग में भय एवं आतंक जैसी अनिष्ट घटना नहीं होती है। विवेक के सही प्रयोजन की स्थिति में अनिष्ट सिद्ध नहीं होता है। इसलिए विवेक पूर्णता क्षमता का उदय होना या न होना पाया जाता है, न कि विवेकपूर्ण क्षमता का अपव्यय। जबकि विज्ञान पूर्ण क्षमता का अपव्यय एवं सदव्यय प्रत्यक्ष है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि विज्ञान का नियंत्रण विवेक से ही है, ना कि विज्ञान का नियंत्रण विज्ञान से। विकास की ओर प्रगति ही ऊर्ध्वमुख, ह्रास की ओर व्यवस्था अधोमुख है, जो स्पष्ट है।
विकास की प्रत्येक स्थिति उससे अधिक विकास की श्रृंखला संबद्ध है, इसलिए प्रत्येक स्थिति अग्रिम विकास के लिए बाध्य है। विकास की ओर प्रगति में उत्साह, प्रसन्नता तथा हर्ष का अनुभव है। इसके विपरीत में ह्रास की ओर गति से खिन्नता, निरुत्साह, विवशता एवं क्लेश है। ऊर्ध्वमुखी विज्ञान शुद्ध रजोगुण तथा सत्व गुण पूर्वक विभव कार्य में प्रसक्त है, जो विज्ञान की वास्तविक चरितार्थता है। साथ ही इसके विपरीत में विज्ञान में मलिन रजोगुण तथा तमोगुण पूर्वक संहार एवं अतिभोग प्रसक्त है, जो विज्ञान के पूर्ण दुरुपयोग का द्योतक है। मानवीयतापूर्ण मनुष्य और उससे अधिक जागृतिशीलता ही ऊर्ध्वमुखी जीवन में गण्य है, जिसमें दया, सरलता, त्याग, तप, परोपकार, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा गौरव जैसी मौलिक मूल्यवत्ता आचरित होती है। यही स्व पर मांगलिक है। दुष्चरित्र पूर्ण जीवन का भय त्रस्त होना विवशता है, जो स्व पर पीड़ा का प्रधान कारण है। यही मानव में निहित अमानवीयता का भय है। यही असामाजिकता एवं असहस्तित्व का मूल रूप है। मानव कुल के साथ स्नेह करने की क्षमता ही विश्वास एवं संतोष की निरंतरता है। यही अग्रिम विकास के लिए उत्साह एवं प्रवर्तन भी है। विश्वास विहीन संबंध सफल नहीं है। संबंध रहित स्थिति में कर्म सिद्धि नहीं है। प्रत्येक सामाजिक मूल्य का निर्वाह विश्वास पूर्वक ही सफल हुआ है, इसलिए न्यायपूर्ण व्यवहार समाधानपूर्ण विचार एवं सत्यानुभूतिपूर्ण जीवन में क्लेशों का अत्याभाव होता है। यही सर्वमंगल है। विवेकानुगामी विज्ञान के प्रयोग से ही मानव की प्रत्येक अवस्था का जीवन सर्वांग सुंदर है। यही सर्व मानव कल्याणकारी कर्म प्रवृत्ति एवं उपलब्धि है। यही सर्वमंगल है। विवेक व विज्ञान संपन्न कर्म परंपरा है, लोक मंगल कर्म है। यही मानव की चिर आशा, आकांक्षा, आवश्यकता एवं अवसर है। सर्व शुभ हो, नित्य शुभ हो।